ਇਤਿਹਾਸ ਕਈ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਫਤ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਈ ਕੋਈ ਪਰਲੋ ਆਈ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ प्राचीन मंदिर है वहां पे जाने वाले हैं वहां का तो वो कुछ थे यहाँ पे पुराने लीडर तो उनकी समाधि में जाने की सोच रहे हैं अभी तो वहां पे शायद हमें इस मंदिर के बारे में कुछ रहस्यमय बात पता चले आपके लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट केशव। मैं हूं आपका दोस्त सचिन। तो दोस्तों हमारे पीछे आप देख लीजिए हम अभी हम खड़े हैं इंडिया गेट में। ये नारायणगढ़ बाईपास में इंडिया गेट बना है यहाँ पर है। तो हम जाने वाले हैं आगे एक प्राचीन मंदिर में। बताइए कहाँ जा रहे हैं? हम खासा की तरफ एक प्राचीन मंदिर है वहाँ पर जाने वाले हैं। वहाँ पर भी सुना है कि कुछ ऐसे है कि स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ है, धरती से प्रकट हुआ है स्वयंभू शिवलिंग। इसकी ना रेकमेंडेशन हमें एक सब्सक्राइबर ने हमारे दी है। तो हमें भी अभी रास्ते का पता नहीं है, हमें बस इतना पता है वो भकना गला पिंड में है जो खासा रोड यहाँ से ही सीधा जाएगा। खासा रोड वहाँ पे एक पिंड है, ठीक है। वहाँ पर जाकर हम ढूंढेंगे मंदिर कैसे है, तो कैसे कैसे एक्सप्लोर करेंगे। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। बाईपास की तरफ हम जा रहे हैं। दूर तो है, मतलब कि स्पेशल ही बंदा आ सकता है अगर दूर से आना हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पता नहीं, शायद जाता भी हो तो हम इसके बारे में नॉलेज नहीं है। बट ये है कि आप इस वीडियो के द्वारा ही दर्शन कर लेंगे, पर अगर आपने स्वयं आना है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा दूर तो लग रहा है मुझे भी, हमें तो डेस्टिनेशन का पता ही नहीं चला। एकदम से ही हम रोड पे ही सीधे आते आते हम पहुंच गए। ये मेन रोड पे ही था मंदिर और यहाँ पे लिखा भी हुआ है 400 साल पुराना। तो पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे। ये बहुत पुराना पीपल का पेड़ है साथ, तो इसका इतिहास जानते हैं। ये 400 साल पुराना लिखा हुआ है, पर इतिहास तो मज़ा आने वाला है। बड़ा अच्छा इतिहास। इतिहास तो इसका इससे भी पुराना हो सकता है। हाँ, भकना ये तो एक फिगर है 400 साल। हाँ, पुराना तो उससे भी ज़्यादा होता है। चलिए गाइस, तो हम मंदिर के पास कि पहले तो बाहर की ब्यूटी देख रहे हैं। बाहर में ही काफ़ी अच्छा सुंदर व्यू दिखने को मिल रहा है। एक छोटा सा गार्डन है, गार्डन में थोड़े से पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। आपको एंट्री करते ही ये दिख जाएगा हनुमान जी का मंदिर छोटा सा, तो इससे पहचान हो जाएगी आपको। तो आपको दर्शन हो चुके हैं मेरे ख्याल से। हाँ, अच्छे से दर्शन कर लीजिए। तो मंदिर कुछ काफ़ी टाइम पहले से बना हुआ लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ खास मुरम्मत वगैरह नहीं हुई है और लोगों का भी आवाज़ जाई यहाँ कम ही रहती होगी, इसलिए ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे शिव जी के इधर बनाए हैं और साथ में कुआं भी है। खाली है, खाली। उतरी गाइस, ये काफ़ी डूंगा गहरा कुआं है। ये डूंगा मतलब गहरा। हाँ, सच में शायद आपको ये कैमरे में इतना नहीं पता चल रहा होगा, पर एक्चुअली में ये बहुत गहरा है। तो दोस्त मतलब हम शहर में रहने वाले हैं तो ये ऐसे ज़्यादा नज़ारे देखने को मिलते नहीं। ये गांव का जो है ना माहौल,
वो बड़ा काफ़ी अच्छा लगता है देखने में सुनने। ये चीज़ें हमें शहर में नहीं दिखती, शहर में इतने एरिया में तो कितनी सारी बिल्डिंग आ जाती हैं। भैया बड़े टाइम के बाद किसी गांव में आया है, इसके पहले ना लास्ट हम कसेर मंदिर गए थे गांव में, ऐसा बना हुआ प्राचीन। हाँ शायद इसके बाद प्राचीन मंदिर बकना गांव में आया, तो वहीं वाला फील आ रहा है, वहीं वाला एंजॉय कर रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है, गर्मियों के दिनों में भी यहाँ पर ठंडा मौसम है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। हाँ। चलिए आगे दर्शन करते हैं। कसेर के बाद हम शायद वहाँ पर भी गए थे संगतपुरा गाँव में। चलो तो ये है एंट्रेंस, यहाँ से छोटा सा तो एंट्री करते ही घंटी और ये बजरंग बली। इस तरफ पानी है, अगर आपको हवन कुंड का, हाँ हवन कुंड भी है। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा है और साथ में हवा भी चल रही है, थोड़ी थोड़ी धूप भी है, तो काफ़ी मिक्स अप सा मौसम है गर्मियों के दिनों में भी। तो एंट्री करते ही आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में माता जी के दर्शन हो रहे हैं, जय माता दी। तो ये यहाँ पे कोई पंडित जी वगैरह रहते होंगे और ये आ गए हमारे शनिदेव जी, ऐसे करते शनिदेव। ये है मेन मंदिर का स्ट्रक्चर, मंदिर की जगह, मंदिर का स्थान। छोटे बड़े मंदिर यहाँ पर बनाए हुए हैं, शायद पहले यहाँ पे मंद वगैरह रहे होंगे। तो छोटा सा मंदिर देखने को मिल रहा है सामने की तरफ। तो ये डेडिकेटेडली हमें पता चल रहा है कि शिवालय ही है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे शिवलिंग हैं। तो ये तीसरा शिवलिंग, जय हो प्रभु का स्वरूप। और ये इस तरह हमें बताया गया ये काला महल है। हाँ एक और जगह पूछी गई है, तो ये काला महल है। देखिए तो देखिए तो समझ में नहीं आ रहा ये। हाँ देखिए काफ़ी गहरा है, इसे हम कह सकते हैं ये तपोस्थान भी था पहले के ज़माने में। हाँ हो सकता है किसी का तपोस्थान, या तो मंदिर पहले नीचे लेवल पे होगा, हो सकता है कि ये मंदिर पहले नीचे लेवल पे होगा, इसके ऊपर बनाया गया बिल्कुल। और ये जो स्थान है ये किसी के, कृष्ण जी का मंदिर भी है। तो ये जो मंदिर है वो दिखाया जा रहा है, कह रहे हैं कि काफ़ी पुराना है, तो जो पेंटिंग है वो भी बड़ी पुरानी है, तो इसको बनाने की दोबारा करी गई थी कोशिश पर हुई नहीं यहाँ के पेंटरों से। जय गौरी शंकर दोस्तों। जय गौरी शंकर दोस्तों। इस समय हम मंदिर के परिसर में बैठे हैं, तो मंदिर आप देख ही चुके हो, दर्शन कर ही चुके हो। इस समय काफ़ी अच्छा मौसम है, अभी सुबह के 10:30 बजे हैं और हवा चल रही है, जून की गर्मी में इतनी अच्छी अच्छी हवा चल रही है, अब काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये सब हम गांव में फील कर सकते हैं, है ना। सही बात। तो मंदिर के मंदिर का इतिहास तो हमें कुछ खास पता चला नहीं है कि कैसे है क्यों नहीं, क्योंकि जिनसे हमें जानकारी भी मिली कुछ थोड़ी बहुत, तो वो 10-12 साल से ही यहाँ पे रह रहे हैं। बिल्कुल। और जो और लोकल बंदे हैं, लोकल बंदे उनको भी ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है, पर आप फिक्र मत कीजिए, हमें तो हम पता लगा के रहेंगे। हमने पता लगाया कि आगे भकना जो है बाबा जी थे यहाँ पे, उनकी समाधि बनी है वहाँ पे, जाके एक बार देखते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में तो हम जान के रहे। आपने देखा होगा कि जब हमारे से एक यादगारी गेट था भकना जी का, तो वो कुछ थे यहाँ पे पुराने लीडर, तो उनकी समाधि में जाने की सोच रहे हैं अभी, तो वहाँ पे शायद हमें इस मंदिर के बारे में कुछ रहस्यमय बात पता चले। चलो चलते हैं। तो अभी ये वीडियो पूरा नहीं हुआ, बार साथ बने रहिए, चलिए आइए। तो सफ़र के दौरान हम यही सोचते जा रहे थे कि इस
मंदिर का इतिहास कितना पुराना होगा और किसको पता होगा। तो जिस डेस्टिनेशन पर हम जाने की सोच रहे थे उसका भी पता नहीं था कि कितनी दूर है। तो ये एक पापा बकना चौंक आया, तो यहाँ से किसी को पूछते हैं। ए कोई चल रहे हैं पापाई बकना दी समाध कितने की है? समाध कितने की है? हाँ अंदर अच्छा ये मेरे लोग ठीक है। तो हमने यहाँ के लोकल रहने वाले से पूछा है कि वो तो लेफ्ट टर्न करके 1 किलोमीटर आगे जाने को कह रहे हैं, तो हो सकता है हमें वहाँ पे इस रहस्य का पर्दा उठाने में मदद मिले। आई होप जितनी सत्ता हमें मिल रही है पड़ रही है तो आपको भी आगे क्या होने वाला है। हो सकता है यहाँ पे कहीं कभी हो सकता है कि किसी सत्य किसी टाइम पे शिव जी स्वयं प्रकट हुए हों या उनके किसी बड़े साधु संत ने यहाँ इसका इतिहास कुछ कायम किया हो। तो ये सोहन सिंह की यादगारी जी में सरकारी स्कूल बनाया हुआ है यहाँ पे। तो मतलब अभी भी उम्मीद बाकी है, एक पर्सन मिले हैं लोकल तो वो शायद हमें किसी के पास लेके जा रहे हैं, तो उनको शायद इतिहास के बारे में बताओ आज। हाँ तो भाजी हमें मिले हैं बड़े मददगार साबित हुए हैं। देख के हैरान हो जाएंगे हम कहाँ पे आ गए हैं। तो उसी आपको का घर है बताते हैं। चलिए तो अभी भी वो पुरानी फीलिंग वगैरह आ रही है यहाँ पे। रिन्यूशन तो जरूर कर लिया है इन्होंने। तो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस मिलता है। आप देख रहे होंगे हम कहीं पे बैठे हुए हैं। आपको हम आपको पता ही है हम मंदिर आए थे इतिहास जानने के लिए मंदिर का, पर मंदिर का इतिहास जानते जानते हम जो आपने यादगारी गेट देखा होगा बाबा सोहन सिंह बकना अभी उनके घर पे ही है। हाँ तो मंदिर का इतिहास जानते जानते हम उनके पास ही पहुँच गए। पर जी अभी हम इसमें आपको मंदिर का इतिहास और इस पिंड का इतिहास बकना पिंड बाबा सोहन सिंह बकना के बारे में क्या थे कौन थे देशभक्त इसके बारे में इनके परिवार वालों से बात करते हैं। चलिए तो ये हैं बाबा सोहन सिंह बकना के परिवार मेंबर। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है जसवीर सिंह गेला। आपका इनके साथ क्या रिलेशन है? असं बाबा सोहन सिंह बकना का परिवार का मेंबर है। मैं पोतरा लगना है परदादा जी बाबा सोहन सिंह बकना। अच्छा तो चलो हमें तो अभी पता चल ही गया है कि बाबा सोहन सिंह बकना कौन थे और क्या इनका इतिहास था। आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि ये कौन थे और इन्होंने आज़ादी के लिए हमारे देश के लिए क्या क्या योगदान दिया। बिल्कुल जी कुछ कहते हैं ना साडे ऐसे अनगोले हीरे। हाँ जी सरकार वालों ये जो तुम तस्वीर देख रहे हैं जो बड़े आप जिक्र कर रहे हैं महान देश भगत बाबा सोहन सिंह जी बकना। हाँ जो तो देश भगत का नाँ लग जाता भी फिर कुरबानिया का सोमा ही कह सकते हैं। हाँ बाबा सोहन सिंह जी बकना जिन्हों ने 26 साल जे अपने वो संघर्ष किया जेलों के और इन्हों उम्र कैद हुई इंडो बार निकोबार काले पानी के जेला कट के आए लम्मा संघर्ष अपना जिंदगी देना हटाया। बाबा सोहन सिंह जी बकना जो आप अज भी देखते हैं साडे नौजवान विदेशों के रोजी रोटी नहीं जाते हैं इस तरह ही बाबा जी किसी टाइम पर रोजी रोटी कमाने वास्ते गए थे। तो जदों इन्हों अमेरिका की धरती से जाके गुलामी का एहसास होया कि असी तो गुलाम हाँ बिल्कुल इंडिया को गुलाम किया जाता। हाँ जो इन्हों ताने महीने बजे गुलामी दे ते फिर इन्हों भुल गए असं इस चीज़ वास्ते अच अं रोटी कमाने वास्ते आए हैं। फिर इन्होंने उदो ही इन्हों का जोड़ा संघर्ष इन्होंने स्टार्ट कर लिया कुछ क्रांतिकारियों ने इन्होंने नाल मेल होया उस तो बाद एक हिंदुस्तान एसोसीएशन जी बनी सी वो भी चंकी सोच कारण चंकी इन्हों की मेहनत कारण देश वास्ते चंकी भगती होने कारण इन्हों हिंदुस्तान एसोसीएशन का प्रधान बना दिया गया। बाबा भकना जी करतार सिंह सराभे कहते रही साडा जरनैला ठीक बाबा भकना जी प्रधान सके उस तो बाद 1857 की क्रांति जिन्होंने आप लहर कहते
उस लहर नू लेके फिर इन्हां जिहड़ी हिंदुस्तान एसोसीएशन सी इहदा नाम बदल के गदर पार्टी रख दिता गया। फिर इन्हां दे नाम नाल पकना जुड़िया या फिर पहला इस पकना पिंड सी? वेखो जी अज भी तुसीं जे गूगल ते भी सर्च करदे आ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਭਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਕਨਾ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਭਕਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਭਕਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਕਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਭਕਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਕਨਾ ਜਦੋਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰਟ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਕਨਾ, ਅਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਘਾਟੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਭਕਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਦੱਸੋ, ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਖਾਸੇ ਰੋਡ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਭਕਨੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਕਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾ 400 ਸਾਲਾ ਸਿਵ ਮੰਦਰ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ 400 ਸਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ 400 ਸਾਲ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ 400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਟੀਮੇਟ ਮਤਲਬ 1000-1500 ਸਾਲ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸੁਰੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜੋੜਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੰਤਨ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਰ ਆ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਰ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜੀ, 1000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿੱਖ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਲੇ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਨੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਇੱਥੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਥੇ ਸੀਗਾ, ਭਕਨੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਟਵਾਂ ਵਾ ਭਕਨੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀਗੀ ਖੇਤ ਦੀ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਜਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਥੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਪਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤਾਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੱਲਿਓਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਕਈ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਫਤ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਈ, ਕੋਈ ਪਰਲੋ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਬਚੇ ਸੀ ਦੂਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਭਕਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਚੀਚਾ ਪਿੰਡ ਲਾ ਲਓ, ਨੱਥੂਪੁਰਾ, ਮਾਲੂਵਾਲ, ਭਕਨਾ ਖੁਰਦ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਕੋਈ 7 ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਚੇ ਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈ ਗਏ। ਬਸ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਤਲਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੋਜਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼, ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਭਕਨੇ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਬੰਨੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ 2-ਵੀਲਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕਿੱਧਰਾਂ ਆਏਗਾ ਭਕਨੇ? ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਭਕਨੇ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ
ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਭਖਣੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਭਖਣੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਭਖਣੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਖਾਸੇ ਤੱਕ ਆਟੋ, ਆਟੋ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। तो अभी हम सोहन सिंह के घर के बाहर आ चुके हैं, जाने के लिए रेडी हैं जी। अभी हम इस वीडियो का एक्सिट करने वाले हैं। हाँ, तो आपको मंदिर के इतिहास के बारे में भी पता चल गया होगा और इस पिंड के इतिहास के बारे में पता चल गया है। अगर आपको चाहिए कि इस पिंड का जो कोर इतिहास है उसके बारे में एक और एपिसोड लेके आए, तो डेडिकेटली हम दोबारा से आ जाएंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसमें और क्या क्या ऐतिहासिक जगहें हैं, उसमें क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं। हमको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके लिए तो हम डॉक्यूमेंट्री बना ले तभी कम पड़ेगी। हाँ, क्योंकि बड़ा लोगों के फ़ायदेमंद है यहाँ पे आना लोगों के लिए। यहाँ पे और भी ऐतिहासिक मंदिर जगहें काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ हमें मिला है। और हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा आज के दिन का कि मोहनजोदड़ो टाइप भी यहाँ पे जगह है, बिल्कुल है। वहाँ पे खंडर वगैरह कुछ हो सकते हैं कि वहाँ पे जाके हम एक्सप्लोर करें कि हाँ यहाँ पे और हम शुरू हुए थे सिर्फ शिव मंदिर से, प्राचीन शिव मंदिर से। हमें उसके बाद जो जो हमें जानकारी मिली है वो तो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। तो अभी के लिए हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। तो हम ऐसे ही प्राचीन मंदिरों के बारे में आपको बताते रहेंगे हर वीडियो में। तो अब हम आपसे मिलेंगे नए सफर पे, नई जगह पे, नए लोगों के बीच। आप के लिए अपना प्यार देते रहिए और ये वीडियो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।